बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मुझे सपोर्ट करें। मेरा न्यू चैनल है, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरी वीडियोस घंटे तक देखा करें, स्किप मत किया करें, वीडियोस को लाइक किया करें, शेयर किया करें अपने फैमिलीज और फ्रेंड के साथ, और मेरा चैनल शाहिंस कुकिंग को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और इसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो से आप बाखबर रह सकें। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी करेले प्याज। करेले प्याज बनाने के लिए हमें जो अज़ा ज़रूरत होंगे वो ये हैं। करेले आधा किलो। करेले के काटने का तरीका ये है, एक छुरी लें और इसे करेलों को दरमियान ऐसे गोल तरीके से काटें, ठीक है। और अगर बीन्स निकालने हो तो वो भी आपको बता देती हूँ, जो छोटे छोटे होंगे उनके छुरी की मदद से निकालें, और जो बड़े होंगे उनके हाथ से ही निकल सकते हैं। जी इस तरह। और सारे करेले को इसी तरीके से काट लेना है। टमाटर 6 अदद, प्याज आधा किलो और मैंने मीडियम साइज में काट लिए हैं। लाल मिर्च पाउडर 3 चाय के चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच। सबसे पहले कढ़ाई में एक बार पॉल शामिल किया है। अब मैं करेलों को फ्राई करूंगी, इसलिए करेले शामिल करूंगी। थोड़े से करेले डालने हैं जितने फ्राई हो जाए। अब हमारे करेले फ्राई हो गए हैं, अब मैं इसे निकालूंगी करेलों को। और करेलों को 2 बार मैंने किया है, एक जो मैं अब फ्राई करके निकाल रही हूँ, अब दोबारा दूसरी शामिल करूँगी। फिर दूसरे करेलों को थोड़ा थोड़ा करके फ्राई करेंगे, ज़्यादा डालेंगे तो आधे फ्राई होंगे और आधे फ्राई नहीं होंगे। इनको भी आप ऐसे ही करना है, जब फ्राई हो जाएंगे तो इनको निकाल लेना है। अब करेले फ्राई हो गया, मैंने निकालने की हूँ। देखिए कितनी खूबसूरती से फ्राई हुए हैं। अब करेलों का कड़वापन ख़त्म करने के लिए इसे नींबू में निचोड़ूंगी। नींबू मैंने 3 अदद दिए हैं। अब नींबू निचोड़ के अब ये दूसरा नींबू अब मैं इसे चम्मच से हिलाऊंगी। नींबू डालने से ये होता है कि करेलों का कड़वापन ख़त्म हो जाता है। करेले फ्राई करनी है, अब मैं प्याज को शामिल करूंगी और प्याज फ्राई करूंगी। अब प्याज फ्राई हो गए हैं। करेलों में प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं किया जाता और करेलों में प्याज ज़्यादा डलते भी हैं। अब मैं टमाटर शामिल करूंगी। और इसे अच्छी तरह मिक्स करूंगी। टमाटर को शामिल करके मैंने इसे अच्छी तरह हिला लिया है। अब मैं लाल मिर्च पाउडर शामिल करूंगी और इसे अच्छी तरह हिलाऊंगी। और अब मैं हल्दी पाउडर शामिल करूंगी और फिर अच्छी तरह मिक्स करूंगी। और अब धनिया पाउडर शामिल करूंगी।
उसके बाद नमक शामिल करूंगी और इन सब चीजों को अच्छी तरह मिक्स करूंगी। सब मसाला जात मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, अब मैं करेले शामिल करूंगी और इसे अच्छी तरह मिक्स करूंगी। अब मैं इसमें दो खाने चम्मच सफेद सिरका शामिल करूंगी। फिर मैं दो खाने चम्मच चिली सॉस शामिल करूंगी। एक खाने के चम्मच सोया सॉस शामिल करूंगी। अच्छी तरह मिक्स करूंगी। हमने इसे हिला लिया है, अब 5 मिनट के लिए मैं इसे दम पर रखूंगी और आंच आहिस्ता होनी चाहिए। अब 5 मिनट पूरे हो गए हैं, आप चेक करते हैं। ये देखिए हमारे करेला प्याज तैयार हो गए हैं, अब मैं इसे प्लेट में सर्व करूंगी। माशाल्लाह से हमारा करेला प्याज तैयार हो गया है। रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।